लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा 182 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। इस सूची में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी तथा मुरली मनोहर जोशी का टिकट काट दिया गया है। पार्टी ने आडवाणी का टिकट काटते हुए उनकी गांधीनगर सीट से अमित शाह को चुनाव मैदान में उतारा है। नितिन गडकरी नागपुर से प्रत्याशी होंगे। बिहार की सभी 17 सीटों पर भी फैसला हो गया है। कुल मिलाकर जो उम्मीदवार घोषित किए गए उनमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, गाजियाबाद से वीके सिंह, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, मथुरा से हेमा मालिनी, आगरा से एसपी सिंह बघेल, उन्नाव से साक्षी महाराज, बागपत सत्यपाल सिंह, अलीगढ़ से सतीश गौतम, एटा से राजवीर सिंह, गाजीपुर से मनोज सिन्हा, हरदोई से जयप्रकाश रावत, मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश सिंह, फतेहपुर सीकरी राजकुमार चहल, बंदायूं संगमित्रा मौर्य और इसके अलावा उत्तराखंड से जो टिकट दिए गए उनमें टिहरी गढ़वाल से माला राज्यलक्ष्मी, तीरथ सिंह रावत को गढ़वाल से टिकट दिया गया, अल्मोड़ा से अजय टमटा, नैनीताल से उधम सिंह नगर अजय भट्ट को टिकट दिया गया है, हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक, छत्तीसगढ़ से जो टिकट घोषित किए गए उनमें सरगुजा से रेणुका सिंह, रायगढ़ से गोमती सहाय, जांजगीर चांपा से गुहाराम अजगले, कांकेर से मोहन मंडावी, राजस्थान से जो टिकट घोषित किए गए उनमें जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौर और सवाई माधोपुर टोंक से सुखबीर सिंह जौनपुरिया, अजमेर से भगीरथ चौधरी, भीलवाड़ा से सुभाष चंद्र, जोधपुर से गजेंद्र शेखावत, जालौर से देवी मान सिंह पटेल, उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, कोटा से ओम बिरला और झालावाड़ से दुष्यंत सिंह के नाम सामने आए हैं। इन सब में चौंकाने वाली बात यही है कि भाजपा के जो दो वरिष्ठ नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। इस तरह से आडवाणी को पूरी तरह से आशय पर धकेल दिया गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।